स्मिता, गुड आफ्टरनून। अब बेटा, आज हम जो कंसेप्ट लेके चल रहे हैं, दिस वन कैटालिसिस, ये कंसेप्ट पहले से स्टार्ट करवा रखा है। और आपको मैंने कैटालिसिस को डिफाइन करवाया था कि कैटालिसिस क्या है, मतलब इसके अंदर जो कैटालिस्ट है उस कैटालिस्ट को हमने डिफाइन किया था कि कैटालिस्ट वो होते हैं जो किसी भी रिएक्शन की रेट को ऑल्टर करते हैं, चेंज करते हैं विदाउट अनचेंज इट्सेल्फ। मतलब ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अपने आप जो कैटलिस्ट होते हैं केमिकली और क्वांटिटेटिवली, इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है। मतलब रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो कैटलिस्ट होता है उसके शेप में, उसके साइज में, उसके मास में और केमिकल नेचर में कोई भी क्या नहीं आता है, चेंज नहीं आता है। उन्हें हमने क्या नाम दिया था, कैटलिस्ट नाम दिया था। एंड ये जो ओवरऑल प्रोसेस थी, इस ओवरऑल प्रोसेस को हमने नाम दिया था, दिस वन इज कॉल्ड कैटालिसिस। बहुत क्लियर है बेटा, ये करवाया गया था। आफ्टर दैट आई हैव टोल्ड यू हाउ टू चेंज, हाउ टू क्लासीफाई, कैसे करके हम जो कैटालिसिस की प्रोसेस है उसको कैसे करके हम क्लासीफाई कर रहे हैं। तो हमने उसको क्लासीफाई किया था दो तरीके से। द फर्स्ट वॉज फिजिकल स्टेट को बेस माना था, चाहे वो हमारे पास रिएक्टेंट हो चाहे वो कैटलिस्ट हो, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट को बेस मान करके हमने जो कैटालिसिस है उनको हमने कैटेगराइज किया था। एक बोला था होमोजेनस, दूसरा बोला था हेट्रोजेनस। होमोजेनस को हमने कैटेगराइज किया दो पार्ट में, एक बोला था गैस फेज बोला था, दूसरा बोला था सॉल्यूशन फेज। बहुत क्लियर है। हेट्रोजेनस के अंदर हमने कैटेगराइज किया था और उसको फोर टाइप से कैटेगराइज किया था। द फर्स्ट वॉज सॉलिड सॉलिड, द सेकेंड वन सॉलिड लिक्विड हो गया, द थर्ड वन लिक्विड लिक्विड एंड द फोर्थ वन सॉलिड गैस। ये तो बेटा हमारे पास फर्स्ट वाला पार्ट था या ए वाला पार्ट था, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। बहुत क्लियर बेटा। सेकेंड वाला जो पार्ट था दैट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन और मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट। एंड लेट अस मूव टूवर्ड्स जो बी वाला पार्ट है कैटालिसिस का, क्लासिफिकेशन का, ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन और मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस, कैटलिस्ट, और उसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। सो लेट अस मूव, चलते हैं। जो हमारी हेडिंग थी दैट वॉज कैटालिसिस, और कैटालिसिस के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं दिस वन, इसका जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन, और इसके अंदर जो बी वाला पार्ट था दैट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन ऑब्लिक मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट। ध्यान देंगे बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन और मैकेनिज्म हमने जितना भी कैटलिस्ट था उसको कैटेगराइज किया था फोर टाइप से। द फर्स्ट वॉज पॉजिटिव कैटालिसिस, द सेकेंड वन नेगेटिव, द थर्ड वन ऑटो कैटालिसिस एंड द फोर्थ वॉज इंड्यूस्ड कैटालिसिस। सो लेट अस मूव टूवर्ड्स वन बाई वन। द फर्स्ट वन, सबसे पहले चलते हैं हम यहां पे, पहला जो पार्ट लिखेंगे दिस वन पॉजिटिव कैटालिसिस। पॉजिटिव कैटालिसिस कौन होते हैं या पॉजिटिव कैटालिस्ट कौन हैं? पॉजिटिव कैटालिस्ट वो होते हैं, यहां लिखेंगे दोज सबस्टांसेस विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं उन्हें नाम दिया पॉजिटिव कैटालिस्ट, एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटालिसिस। अब ध्यान देंगे बेटा, इसके एग्जाम्पल अगर मैं आपको लिखूं, सो वी हैव नंबर ऑफ, नॉट अ सिंगल वन, वी हैव वेराइटीज ऑफ एग्जाम्पल ऑफ द पॉजिटिव कैटालिसिस। जैसे मान लो मैं यहां पे लिखता हूं, पहली रिएक्शन लिखता हूं H2 हो गया और O2 हो गया, ठीक है बेटा, ये दोनों मिलकर के रिएक्शन कर रहे हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, जो प्लेटिनम है वो पॉजिटिव कैटालिस्ट के जैसा काम करेगा, और यहां से मिलकर के जो चीज बनाएगा दिस वन 2H2। नाउ द रिएक्शन नंबर सेकेंड, जैसे मान लो हम क्या करते हैं 4NH3 को लेते हैं, साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ में,
यहां से मिलकर के 4NO एक बनेगा और दूसरा बनेगा दिस वन 6H2O, ठीक है। ये बन गया हमारे पास, ये वाले रिएक्शन है। इस रिएक्शन के अंदर प्लेटिनम हो गया और रोहोडियम हो गया, ये जो कैटलिस्ट है, ठीक है, ये किसका काम कर रहा है, पॉजिटिव कैटलिस्ट के जैसा काम कर रहा है। ये वाले प्रोसेस अगर आपको याद होगा, ये ओस्टवाल्ड प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है, लिखवा रखा मैंने आपको पहले लेक्चर में, आपको बताया था, ये पॉजिटिव जो कैटालाइसिस है उसमें ये बना दिस वन ओस्टवाल्ड प्रोसेस। नाउ द थर्ड वन, तीसरे नंबर की जो रिएक्शन हमारे पास बनी, दिस वन मान लो SO2 को लेते हैं, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाते हैं, और यहाँ पे बेटा हमने लिया दिस वन, यहाँ ले लिया हमने बेटा प्लेटिनम हो गया, सॉरी अब वैनेडियम हो गया, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड हो गया या NO हो गया, और ये मिलकर के बना देगा 2SO3, ठीक है बेटा। कॉन्टैक्ट प्रोसेस आपको बताया था। या फोर्थ नंबर अगर मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ 2KClO3 हो गया, और यहाँ पे हमने क्या किया, दिस वन MnO2 को अगर ले रहे हैं तो यहाँ से बनेगा 2KCl हो गया और 3O2 हो गया। या फिफ्थ नंबर की रिएक्शन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, दिस वन लाइक वी हैव Zn हो गया, यहाँ पे हमने H2SO4 को लिया इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4, यहाँ से बनेगा ZnSO4 और साथ में क्या निकलेगा बाहर, H2 बाहर निकलेगी। या इसके बाद नेक्स्ट नंबर की रिएक्शन जो हमारे पास बनी, इसके अंदर बनेगा लाइक वी हैव HCl हो गया, यहाँ 1/2 O2 को ले लेते हैं, इस रिएक्शन में आप देखेंगे वी हैव CuCl2 हो गया, यहाँ से जो बनेगा दिस वन H2O1 बन गया, यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल गया। इसमें CuCl2 किसके जैसा काम कर रहा है, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट के जैसा काम कर रहा है। या मान लो ये वाली रिएक्शन होगी दिस वन, या एक और रिएक्शन आप लिख सकते हैं लाइक वी हैव N2+3H2 हो गया, हैवर्स प्रोसेस वाली जो रिएक्शन है, इसमें हम क्या करेंगे, आयरन हो गया या मॉलिब्डिनम, आयरन कैटलिस्ट है, ये प्रमोटर का काम करता है, इसका जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ से क्या बना दिस वन 2NS3, ठीक है बेटा। तो ये जितनी सारी रिएक्शंस मैंने आपको यहाँ पे लिखवाई हैं, ये सारी की सारी ऑल रिएक्शंस आर इंक्लूडेड टू द पॉजिटिव कैटालाइसिस। ये जितनी भी रिएक्शंस यहाँ पे लिखवाई गई हैं, इनमें जो कैटलिस्ट बेटा यूज में आ रहा है, आप देखेंगे सभी के सभी जो कैटलिस्ट यूज में आ रहा है, वो सारा का सारा अपने आप में किसके जैसा काम करेगा, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट के जैसा काम करेगा, और जो रिएक्शन की रेट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बहुत क्लियर है। इसके बाद चलते हैं सेकंड वाला पॉइंट, बनेगा दिस वन अ नेगेटिव कैटालाइसिस। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स नेगेटिव कैटालाइसिस। यस बेटा, सेकंड वन दिस वन, नाउ दिस वन नेगेटिव कैटालाइसिस। नेगेटिव कैटालाइसिस का मतलब कौन हो गया कि दोज सबस्टांसेस विच रिटार्ड्स और डिक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ध्यान से सुनेंगे कि नेगेटिव कैटलिस्ट कौन होते हैं। नेगेटिव कैटलिस्ट वो होते हैं जो किसी रिएक्शन की रेट को रिटार्ड करते हैं या डिक्रीज करते हैं, उन्हें नाम दिया जाता है, दीज आर कॉल्ड नेगेटिव कैटलिस्ट, एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड नेगेटिव कैटालाइसिस। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास बनते हैं, जैसे मान लो यहाँ एग्जाम्पल आता है द फर्स्ट वन, यहां मैं लिखूंगा टू रिड्यूस नॉकिंग पेट्रोल इज ब्लेंडेड विद TeL और निकल टेट्रा कार्बोनाइल। ध्यान से सुनेंगे बेटा, यहां जितने भी हमारे पास व्हीकल होते हैं, उन व्हीकल के अंदर जो नॉकिंग होती है, उस नॉकिंग को कम करने के लिए पेट्रोल में हम TeL का यूज करते हैं या निकल टेट्रा कार्बोनाइल का यूज करते हैं। ये जो TeL है, इसे बोला जाता है दिस वन टेट्रा इथाइल लेड है बेटा, ये
या C2H5O4 और PB, ये अपने आप में एंटी नॉकिंग सब्सटेंस के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से भी जाना जाएगा? दिस वन एंटी नॉकिंग सब्सटेंस। बहुत क्लियर है बेटा, इसका मतलब जो TEL है या निकल टेट्रा कार्बोनाइल है वो अपने आप में किसके जैसा काम कर रहा है? एक नेगेटिव कैटलिस्ट के जैसा काम कर रहा है। बहुत क्लियर। नाउ द सेकंड वन, अगर दूसरी रिएक्शन आप लिखेंगे जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या बोला गया बेटा? डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। H2O2 को लेते हैं, इसका डिकम्पोजिशन करते हैं, यहाँ से बनेगा एक तो बनेगा बेटा H2O बनेगा और साथ में निकलेगा ऑक्सीजन। अगर मैं इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाता हूँ एसिटेनिलाइड या H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड या ग्लिसरॉल, तो जो एसिटेनिलाइड है या फॉस्फोरिक एसिड है या ग्लिसरॉल है, ये अपने आप में किसके जैसा काम करेगा? नेगेटिव कैटलिस्ट के जैसा काम करेगा। वो क्या करेगा? रिएक्शन की रेट को रिटार्ड करेगा या डिक्रीज करेगा। या तीसरा एग्जांपल बनता है, इसे लिखा जाता है दिस वन ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम सल्फाइट। जो सोडियम सल्फाइट है उसका ऑक्सीडेशन है, सोडियम सल्फाइट होगा Na2SO3 हो गया, और अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करते हैं +1/2O2 आपने लिया, यहाँ पे नेगेटिव कैटलिस्ट जो लिया जाता है दिस वन ग्लिसरॉल, और यहाँ से जो कंपाउंड बना दिस वन Na2SO4 सोडियम सल्फेट बना। सोडियम सल्फाइट इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम सल्फेट विद द हेल्प ऑफ एयर। ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन हो रही है, एयर के साथ रिएक्शन हो रही है, और किसकी प्रेजेंस में? अगर आप ग्लिसरॉल की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं, दैट्स वाई जो ग्लिसरॉल है वो किसके जैसा काम करेगा? नेगेटिव कैटलिस्ट के जैसा काम करेगा। ठीक है बेटा, फोर्थ वाले रिएक्शन अगर आप लिखें, और इसमें हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन है, बेंजाल्डिहाइड बेंजीन की रिंग हो गया, और बेंजीन की रिंग पे CHO ग्रुप आता है, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हुए यहाँ से बेंजोइक एसिड बनेगा, द कंपाउंड इज बेंजोइक एसिड। लेकिन ये रिएक्शन जो है इसे बोला जाता है डाई फिनाइल और एमाइन। मतलब इसे अगर मैं लिखूँगा तो ऐसे करके लिखूँगा, डाई फिनाइल बोल दिया, ऐसे करके बना दिया, एक फिनाइल ईयर एक फिनाइल ईयर, दो फिनाइल हो गए डाई फिनाइल, और ये बीच में NH2 में चेंज हो जाएगा, तो ये किस में चेंज हो गया? NH बना दिया, इसलिए इसका नाम हो गया डाई फिनाइल एमाइन। एक्चुअली जो एमाइन होते हैं वो RNH2 होते हैं, तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, तो डाई फिनाइल एमाइन जो है वो यहाँ पे किसके जैसा काम करेगा? एज अ नेगेटिव कैटलिस्ट के जैसा काम करेगा। या फिफ्थ वाली रिएक्शन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो यहाँ लिखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन होना है, और यहाँ लिखते हैं क्लोरोफॉर्म CHCl3 हो गया, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं 3O2 यहाँ ले लेते हैं, यहाँ 4 लेते हैं इसे, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, यहाँ से एक तो बनेगा 4COCl2, दिस वन इज फॉस्जीन इसे लिखा, प्लस करके बेटा यहाँ से निकलेगा दिस वन 2H2O1 निकलेगा, और प्लस करके यहाँ से क्लोरीन बाहर निकलेगी, 4 × 2 = 8 हो गया, मतलब कितना हो गया 2Cl2 ये बाहर निकल गई। फॉस्जीन अपने आप में एक पॉइजन है भाई, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये पॉइजन के जैसा काम करेगा, और यहाँ पे जो हमारे पास क्लोरोफॉर्म है, ये क्लोरोफॉर्म जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ये फॉस्जीन में चेंज हो गई है। यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ जो मेन कंसेप्ट हम जो पढ़ रहे हैं वो हमने यूज़ किया दिस वन अल्कोहल। जैसे इथेनॉल की अगर मैं बात करूँ तो इथेनॉल का हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, तो इथेनॉल अपने आप में किसके जैसा काम करता है? नेगेटिव कैटलिस्ट के जैसा काम करता है। तो जितनी भी रिएक्शन से बेटा मैंने आपको ये लिखवाई हैं, इनमें ये सारे के सारे अपने आप में किसके एग्जाम्पल बनते हैं? नेगेटिव कैटलिस्ट के एग्जाम्पल बनते हैं। ये जो प्रोसेस बने, नेगेटिव कैटलाइसिस बनी,
और जो रिएक्शन की रेट को रिटार्ड करते हैं या डिक्रीज करते हैं। बहुत क्लियर है। अब चलते हैं थर्ड नंबर पे, एंड थर्ड नंबर इज दिस वन, ऑटो कैटालिसिस। यस बेटा, थर्ड वन, दिस वन थर्ड बनेगा ऑटो कैटालिसिस। और जो ऑटो कैटालिसिस है, ऑटो कैटालिसिस में क्या चीज है, एक्चुअल में होता क्या है कि समटाइम्स इसे बोला जाता है, समटाइम्स इन सम रिएक्शंस द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट। ध्यान से सुनेंगे बेटा, कई बार क्या होता है कि कई ऐसे रिएक्शंस होती है कि जिनमें जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट ही किसके जैसा काम करता है, एज अ कैटलिस्ट के जैसा काम करता है। और अगर वो कैटलिस्ट के जैसा काम करता है तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, ये ऐसे कैटलिस्ट को क्या बोला जाएगा, दिस वन ऑटो कैटलिस्ट, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटो कैटालिसिस। व्हाट द कांसेप्ट, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे जो रिएक्शंस बनती हैं, दिस वन इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, मान लो हम एस्टर की हाइड्रोलिसिस लिखते हैं, या हमने एक टाइट्रेशन वाली रिएक्शन पढ़ी है, टाइट्रेशन वाली रिएक्शन में जैसे मान लो पोटेशियम परमैंगनेट हो गया और ऑक्सैलिक एसिड हो गया। तो यहाँ जो दो रिएक्शंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये दोनों के दोनों अपने आप में जो ऑटो कैटालिसिस है उसके एग्जाम्पल बनते हैं। द फर्स्ट वन, जैसे हम लिखते हैं This one is hydrolysis of esters. Esters जो है उनकी hydrolysis को लिखते हैं। जैसे मान लो esters हम लिखते हैं like this one, यहाँ लिया R हो गया, C double bond O हो गया O, और इसके साथ लिख दिया R dash। ठीक है बेटा, ये अपने आप में एक ester है, ये आपको ester की पहचान होनी चाहिए, जिसमें सी ओ ओ और साथ में क्या आ गया, आर डैश, ये हमारे पास एस्टर बन गया। इसकी रिएक्शन किससे करवानी बेटा, वाटर से करवानी। वाटर से जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, एच प्लस आयन की प्रेजेंस में होती है। वैसे ये रिएक्शन भी अपने आप में रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो जब यहाँ रिएक्शन होगी तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा आर सी ओ ओ और ये एच, यहाँ ध्यान देंगे आप, आर सी ओ ओ और यहाँ से H आएगा, वो H यहाँ जुड़ जाएगा और जो OH वाला पार्ट बचेगा वो R डैश के साथ में जुड़ेगा। दैट्स वाई R डैश और OH बन गया। इसे हमने नाम दिया दिस वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे बेटा नाम दिया दिस वन इज कॉल्ड एल्कोहल। ध्यान से सुनेंगे आप, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर टेंडेंसी है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड डिकम्पोज होकर के आयोनाइज होकर के हैविंग टेंडेंसी टू गिव एच प्लस आयन। ध्यान से सुनेंगे, ये टूटेगा आर सी ओ ओ नेगेटिव आयन एक बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा, एच प्लस आयन। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर टेंडेंसी है कि ये क्या करता है, एच प्लस आयन को देता है, और जैसे ही ये एच प्लस आयन को देगा तो एच प्लस आयन की कंसेंट्रेशन जैसे ही बढ़ेगी टाइम बढ़ने के साथ, मतलब अगर हम क्या कर दें यहाँ पर रिएक्शन की रेट ले लें और यहाँ पे अगर आप क्या करें टाइम ले लें, अगर इन दोनों के बीच में अगर आप एक ग्राफ खींचना चाहें तो टाइम बढ़ने के साथ साथ में रिएक्शन की रेट भी बढ़ती जाएगी। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्यों भाई ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसने क्या किया, ये डिकम्पोज हुआ और डिकम्पोज होने के बाद कौन सा आयन दे रहा है, एच प्लस आयन दे रहा है, और एच प्लस आयन यहाँ पे किसके जैसा काम करता है, कैटलिस्ट के जैसा काम करता है। दैट्स वाई जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो अपने आप में किसके जैसा काम करेगा, ऑटो कैटालिस्ट के जैसा काम करेगा। ठीक है बेटा, गॉट द कंसेप्ट, समझ में आ गया। जो एस्टर है, जो एस्टर्स होते हैं जब उनके हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड डिकम्पोज होकर के एच प्लस आयन को देता है, एच प्लस आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ती है, इसलिए टाइम के साथ साथ में रिएक्शन की रेट क्या होती है, इनहेंस होती है, इंक्रीज करती है। गॉट द कंसेप्ट, ये काम किसने किया, जो प्रोडक्ट बना था, ये अपने आप में कार्बोक्सिलिक एसिड किसके जैसा था, प्रोडक्ट के जैसा था, लेकिन किसका काम किया इसने, ऑटो कैटलिस्ट के जैसा काम किया। ठीक है बेटा, या दूसरी वाली जो रिएक्शन अगर मैं आपको लिखूं, इसे हम बोलते हैं दिस वन द रिएक्शन ऑफ टाइट्रेशन। ठीक है बेटा,
टाइट्रेशन वाली रिएक्शन यहाँ पे आती है, जिसमें हम ऑक्सैलिक एसिड को लेते हैं और वर्सेस लेते हैं KMnO4 किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान देंगे बेटा, मैं आपको एक चीज़ और बता लेता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म टाइट्रेशन। टाइट्रेशन का मतलब होता है रिएक्शन बिटवीन टू सॉल्यूशंस। और एक बोला जाता है बेटा दिस वन इज कॉल्ड नोन सॉल्यूशन, एंड दूसरा जो बोला जाता है उसे बोलते हैं अननोन सॉल्यूशन। ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पार्ट बनता है कि टाइट्रेशन क्या है। एक लिखा बेटा हमने नोन सॉल्यूशन, दूसरा लिख दिया अननोन सॉल्यूशन। मुझे ध्यान से सुनो आप क्या बोला जा रहा है। यहाँ जो टाइट्रेशन है वो टाइट्रेशन जो है दो सॉल्यूशन के बीच में है, ठीक है बेटा। दो सॉल्यूशन कौन कौन होते हैं, एक नोन सॉल्यूशन होते हैं। नोन सॉल्यूशन कौन होता है, नोन सॉल्यूशन वो होता है जिसकी कंसंट्रेशन बेटा आपको पता है, जिसकी कंसंट्रेशन के बारे में आपको पता है। अननोन सॉल्यूशन कौन होता है, जिसकी कंसंट्रेशन आपको पता नहीं है। और जहाँ नोन सॉल्यूशन अननोन सॉल्यूशन के बीच में रिएक्शन होती है उसे नाम दिया जाता है टाइट्रेशन। तो यहाँ ऑक्सैलिक एसिड हो गया और KMnO4 किसकी प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो प्रोडक्ट किसके जैसा काम करेगा, एज अ कैटलिस्ट के जैसा काम करेगा। तो रिएक्शन अगर बेटा मैं आपको लिखवाऊं तो ध्यान देंगे, यहां लेते हैं 2KMnO4 को एक लेते हैं, साथ में हम ऑक्सैलिक एसिड को लिखते हैं COOH हो गया, सिंगल बॉन्ड COOH हो गया, 5 मॉलिक्यूल्स इसके ले लिए हमने। यहां से क्या करते हैं बेटा 3H2SO4 को लेते हैं। जब ये रिएक्शन कंप्लीट होती है तो यहां से एक कंपाउंड बनेगा K2SO4 एक बनेगा, प्लस करके बनेगा 2MnSO4 एक बनेगा, 10CO2 बेटा एक बन जाता है, और साथ में दूसरा बन जाता है दिस वन वाटर निकलेगा 8H2O। यहां देखो बेटा इसमें जो प्रोडक्ट बना, ध्यान से सुनेंगे, दिस वन MnSO4, MnSO4 का मतलब Mn+2 आयन यहां पे क्या है, एज अ प्रोडक्ट है बेटा हमारे पास। क्या है ये एक प्रोडक्ट है, और जैसे ही ये प्रोडक्ट बनता है इस प्रोडक्ट के बनने के कारण रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है, मतलब ये किसके जैसा काम करेगा, ऑटो कैटलिस्ट के जैसा काम करेगा। व्हाट द कॉन्सेप्ट, तो ऑटो कैटालाइसिस क्या है, ये ऑटो कैटलिस्ट कौन होते हैं कि जो रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा वही प्रोडक्ट किसके जैसा काम करेगा, एज अ कैटलिस्ट के जैसा काम करेगा। ऐसे रिएक्शंस, ऐसे प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, ऑटो कैटालाइसिस। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स इंड्यूस्ड कैटालाइसिस, अगले रिएक्शन पे चलते हैं, इंड्यूस्ड कैटालाइसिस। यस बेटा, फोर्थ नंबर जो बना दिस वन इंड्यूस्ड कैटालाइसिस। अब सुनेंगे बेटा इंड्यूस्ड कैटालाइसिस क्या है, कि यह देखा गया कि कई बार जो हमारे पास जो एक कंप्लीट रिएक्शन है वो कंप्लीट रिएक्शन एज अ कैटलिस्ट वर्क करती है। समटाइम्स अ केमिकल रिएक्शन विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट। क्या बोल रहा हूं मैं, समटाइम अ कंप्लीट रिएक्शन विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट। किसके जैसा काम करती है, कैटलिस्ट के जैसा काम करती है। एंड इन द एब्सेंस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ सच रिएक्शन द अनदर रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड। ध्यान से सुनिए क्या बोला जा रहा है, कि कई बार हमारे पास जो एक कंप्लीट रिएक्शन है वो कंप्लीट रिएक्शन अपने आप में कैटलिस्ट के जैसा काम करती है, और अगर मान लो वो रिएक्शन नहीं है तो जो दूसरी रिएक्शन होगी वो रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगी। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, मुझे ध्यान से सुनो आप, कि जैसे मान लो इसके एक एग्जाम्पल में यहां पर लिखता हूं कि हमारे पास सोडियम सल्फाइड है, Na2SO3 है, ये आपको मैंने पहले भी बताया था। सोडियम सल्फाइड का जो ऑक्सीडेशन है इजिली हो जाता है, और इजिली होने के बाद यहाँ से ये Na2SO4 बना लेता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, ध्यान से सुनेंगे।
एंड दूसरी रिएक्शन में लिख रहा हूं Na3AsO3 सोडियम आर्सेनाइट, दिस वन सोडियम आर्सेनाइट, ठीक है बेटा। ये इसकी रिएक्शन अगर आप किससे करवाते हैं, एयर से करवाते हैं, ऑक्सीजन से करवाते हैं, तो यहां हम लिखेंगे नो ऑक्सीडेशन। ध्यान से सुनो, इस रिएक्शन का अगर आपने क्या करवाया, ऑक्सीडेशन करवाया तो नहीं हुआ, और जो पहले वाली रिएक्शन थी इसका ऑक्सीडेशन हो गया। बट अब क्या करेंगे कि जो ये सेकंड वाली रिएक्शन है, इस सेकंड वाले रिएक्शन के लिए ये ऊपर वाले जो रिएक्शन है, ये पूरी की पूरी रिएक्शन अपने आप में एज अ कैटलिस्ट वर्क करती है। कैसे करके, अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को कंबाइन कर दूं, मतलब यहां हमने क्या किया, Na2SO3 हो गया प्लस करके Na3AsO3 हो गया, और अगर मान लो आप इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं, एयर में इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो यहां से एक क्या बना, Na2SO4 बन गया, दूसरा Na3AsO4। गॉट द कंसेप्ट। यहां से जो हमारे पास सोडियम आर्सेनाइट था वो भी ऑक्सीडाइज हो गया, जो सोडियम सल्फाइड था वो भी क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। गॉट द कंसेप्ट। इसका मतलब क्या है कि ये जो सेकंड वाले जो रिएक्शन है, अगर ऊपर वाली रिएक्शन नहीं होगी तो ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगी। दैट्स वाई इस रिएक्शन को कंपेयर करने के लिए जो ऊपर वाली रिएक्शन है, पूरी की पूरी रिएक्शन जो है वो एज अ कैटलिस्ट यहाँ पे क्या कर रही है, वर्क कर रही है। दैट्स वाई ऐसी जो रिएक्शंस होती हैं जिसमें कंप्लीट एक रिएक्शन किसके जैसा काम करती है, एज अ कैटलिस्ट के जैसा काम करती है, ऐसे रिएक्शन को क्या बोला जाता है, दिस वन इज कॉल्ड इंड्यूस्ड कैटालाइसिस, या इंड्यूस्ड कैटलिस्ट एंड प्रोसेस को क्या बोला, इंड्यूस्ड कैटालाइसिस। या इसके सेकंड वाला एग्जांपल बनता है, यही ऊपर लिखता हूं मैं एग्जांपल नंबर सेकंड। इसमें हमारे पास मर्क्यूरिक क्लोराइड है बेटा, क्या है हमारे पास, मर्क्यूरिक क्लोराइड हो गया, और साथ में हम ऐसा करते हैं ऑक्सैलिक एसिड को लेते हैं। देखो अब रिएक्शन क्या है, नाउ द एग्जांपल नंबर सेकंड, मैंने लिखा यहां पे दिस वन HgCl2, और यहां लेता हूं मैं ऑक्सैलिक एसिड, COOH हो गया एंड COH, विच वन इज ऑक्सैलिक एसिड। ये ऑक्सैलिक एसिड यहां पे एक रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम करता है, और अगर मान लो मैं यहां पे ऑक्सैलिक एसिड हो गया और HgCl2 का जो रिडक्शन प्रोसेस है, अगर मैं यहां पे बोलूं कि यहां जो रिडक्शन प्रोसेस है वो रिडक्शन प्रोसेस अपने आप में कैसा प्रोसेस है बेटा, स्लो प्रोसेस है। ध्यान से सुनेंगे, नाउ हम ऐसा करते हैं, यहां लेते हैं पोटाशियम परमैंगनेट को लेते हैं, और साथ में लेते हैं ऑक्सैलिक एसिड को अगेन, ठीक है बेटा। ये दिस वन ऑक्सैलिक एसिड हो गया, और यहां हम क्या करते हैं, अगेन रिडक्शन के प्रोसेस, यहां क्या लिखा बेटा हमने, दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, या रिडक्शन प्रोसेस, क्या लिखा बेटा हमने, रिडक्शन प्रोसेस, और ये अपने आप में कैसा प्रोसेस है, ये फास्ट प्रोसेस है। बहुत क्लियर है बेटा, यस एंड नो। अगेन अगेन जो ऊपर वाले जो रिएक्शन है, जो स्लो प्रोसेस था, उस प्रोसेस को हमने कैटालाइज कर दिया, किसके द्वारा, जो सेकंड वाले पूरी की पूरी रिएक्शन है, ये सेकंड वाली रिएक्शन किसके जैसा काम करेगी, इंड्यूस्ड कैटालिस्ट के जैसा काम करेगी। मतलब अब क्या करेंगे, अगर मान लो मैं यहाँ पे क्या करूँ, इन दोनों को कंबाइन करके, यानी एकदम ओवरऑल रिएक्शन अगर इसका बनाऊं, तो HgCl2 हो गया प्लस करके क्या लिखा बेटा हमने, COOH हो गया, ठीक है, दिस वन ऑक्सैलिक एसिड हो गया, और यहां हम क्या करते हैं, हम यहां यूज में ला रहे हैं पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4। आफ्टर दैट यहां अब जो रिडक्शन प्रोसेस होगा, ये रिडक्शन प्रोसेस अपने आप में कैसा होगा, दिस वन फास्ट प्रोसेस। किसने फास्ट किया ये प्रोसेस, किसने फास्ट किया बेटा, ये प्रोसेस फास्ट किया किसने, KMnO4 हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, HgCl2, ये तीनों के तीनों मिलकर के, कब, मतलब सेकंड वाली जो रिएक्शन थी, ये पूरी की पूरी रिएक्शन किसके जैसा काम करने लग गई है, एज अ कैटलिस्ट जैसा काम करने लग गई, किसके लिए, पहले वाले रिएक्शन के लिए। और द कंसेप्ट, ऐसे रिएक्शन को या ऐसे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इंड्यूस्ड कैटालाइसिस, और वो जो कैटलिस्ट जो रिएक्शन बन दिया उसे क्या नाम दिया, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। लेट अस मूव टुवर्ड्स, अब चलते हैं अगला कंसेप्ट आएगा हमारे पास, कैटालिटिक प्रमोटर्स। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स कैटालिटिक प्रमोटर्स। यस बेटा, अब चलते हैं कैटालिटिक प्रमोटर्स के ऊपर। नाउ कैटालिटिक
प्रमोटर्स। अच्छा, कैटालिटिक प्रमोटर्स कौन होते हैं? यहाँ ऐसे लिखा जाता है कि कैटालिटिक प्रमोटर्स आर दोज या दीज आर दोज विच इन्हेंस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट बट डजेंट एक्ट एज अ कैटलिस्ट। जो क्या करते हैं बेटा, ध्यान से सुनेंगे, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इन्हेंस करते हैं, टू इन्हेंस द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट, जो अपने आप में किसके जैसा काम नहीं करते हैं, कैटलिस्ट के जैसा काम नहीं करते हैं, बट डजेंट एक्ट एज अ कैटलिस्ट, दीज आर कॉल्ड कैटालिटिक प्रमोटर्स। बहुत क्लियर है बेटा, कैटालिटिक प्रमोटर ने क्या किया, जो कैटलिस्ट था उस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इन्हेंस कर दिया, इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, और उसके कारण अब जो रिएक्शन की रेट होगी वो और ज्यादा फास्ट हो जाएगी। बहुत क्लियर है। बहुत सारे एग्जाम्पल यहां बनते हैं, जैसे मान लो मैं यहां पे एग्जाम्पल लिख रहा हूं, द फर्स्ट वन, अगर सभी को ध्यान होगा, बार बार बता दिया, हैवर्स प्रोसेस आपको याद है। इस हैवर्स प्रोसेस में हम क्या करते हैं, N2+3H2 मिला करके यहां से 2NH3 बना दिया। इस रिएक्शन के अंदर जो आयरन है वो एज अ कैटलिस्ट के जैसा काम करता है, लेकिन यहां पे हम क्या करते हैं, द सेकंड वन मॉलिब्डेनम हो गया, या K2O हो गया, पोटाशियम ऑक्साइड हो गया, या यहाँ पे हम लिखते हैं दिस वन Al2O3 हो गया। ये अपने आप में कैटालिटिक प्रोमोटर के जैसा काम करते हैं। किसके जैसा काम करते हैं? कैटालिटिक प्रोमोटर्स के जैसा काम करते हैं। ये अपने आप में प्रोमोटर हैं। इन्होंने क्या किया, ये जो कैटलिस्ट था, इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इन्हेंस करने का काम किसने किया? कैटालिटिक प्रोमोटर ने किया। नाउ द सेकेंड वन, अगर दूसरी प्रोसेस में आपको बताऊं, यहां मैं लिख रहा हूं दिस वन बॉश प्रोसेस। इस बॉश प्रोसेस में क्या है बेटा, यहां लिया हमने दिस वन कार्बन मोनोऑक्साइड, यहां ले लिया वाटर लिया, यहां से कंपाउंड बनाया CO2 बनाया, यहां से हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया, इसमें हमारे पास Fe2O3 एज अ कैटलिस्ट के जैसे काम कर रहा था, लेकिन इसमें हमने ऐड किया Cr2O3 और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड यहाँ पे कैटालिटिक प्रोमोटर के जैसा काम कर रहा है। बहुत क्लियर है बेटा। थर्ड नंबर की रिएक्शन अगर मैं आपको लिखवाऊं, इसे बोला जाता है दिस वन हार्डनिंग ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं उनकी जो हार्डनिंग है, ठीक है, यहाँ पे जो कैटलिस्ट होता है इस रिएक्शन का, जो कैटलिस्ट होता है वो कैटलिस्ट है प्लेटिनम हो गया और निकल हो गया, ठीक है बेटा, लेकिन इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इन्हेंस करने का काम जिसने किया वो यहाँ पे आया दिस वन टेलोरियम हो गया या कॉपर हो गया। टेलोरियम और कॉपर दोनों के दोनों अपने आप में किसके जैसा काम कर रहे हैं? दिस वन कैटालिटिक प्रोमोटर के जैसा काम कर रहे हैं। बहुत क्लियर है बेटा, ध्यान देंगे। या चौथे नंबर की रिएक्शन हमारे पास, जैसे मान लो जितने भी एंजाइम्स होते हैं बायोकैटलिस्ट हैं, और यहां लिखूंगा एंजाइम्स आर एक्टिवेटेड बाय को एंजाइम्स, ठीक है बेटा, ये जो को एंजाइम्स यहां बने ये किसके जैसा काम कर रहे हैं? एज अ कैटालिटिक प्रोमोटर के जैसा काम कर रहे हैं। या जैसे मान लो यहां पे हम लिखेंगे दिस वन फॉर्मेशन ऑफ सिंथेटिक पेट्रोल को तैयार करना है, और सिंथेटिक पेट्रोल को जब हमने तैयार किया तो इसको तैयार करने में हमारे पास आया लाइक वी हैव निकल हो गया या कोबाल्ट हो गया या आयरन हो गया, एज अ कैटलिस्ट बेटे यहाँ पे एक्ट कर रहा है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, लाइक वी हैव यहाँ हमने As2O3 हो गया या TH2O हो गया, ये कैटलिस्ट के जैसा काम कर रहे थे, लेकिन ये दोनों के दोनों अपने आप में दीज आर द टाइप ऑफ कैटालिटिक प्रोमोटर, ठीक है बेटा, ये कैटालिटिक प्रोमोटर के जैसा काम कर रहे हैं।
या जैसे मान लो एक रिएक्शन में आपको और लिखवा दूं, फॉर्मेशन हम लिखते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल का जो फॉर्मेशन है, मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन है दिस वन। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड लिया बेटा हमने और साथ में हमने हाइड्रोजन लिया, ठीक है। यहाँ से जब मिथेनॉल बनेगा, ठीक है बेटा, यहाँ से क्या बना, सी एस थ्री ओ एच बना, इसमें जेड एन ओ और सी यू ओ एज ए कैटलिस्ट काम करता है, लेकिन सी आर टू ओ थ्री यहाँ पे कैटालिटिक किसके जैसा काम करेगा, प्रोमोटर के जैसा काम करेगा, ठीक है बेटा। नॉट अ सिंगल वन, वी हैव वेराइटीज ऑफ रिएक्शंस, हमारे पास बहुत सारी रिएक्शंस बनी हैं कि जिनमें हमारे पास क्या है, कैटालिटिक प्रोमोटर है। तो कैटालिटिक प्रोमोटर क्या हो गया, यहाँ पे जैसे मोलिब्डेनम हो गया या के टू ओ हो गया, एल टू ओ थ्री हो गया, इधर सी आर टू क्रोमियम ट्राइऑक्साइड हो गया, या इधर क्या कहते हैं टेलोरियम कॉपर हो गया, या इधर हमारे पास कोएंजाइम हो गया, यहाँ हमारे पास दिस वन एस टू ओ थ्री हो गया, थोरियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है, या क्रोमियम ट्राइऑक्साइड हो गया, दीज ऑल आर द, ये सारे के सारे अपने आप में किसके जैसा काम कर रहे हैं, एज अ कैटालिटिक प्रोमोटर। और प्रोमोटर्स कौन होते हैं, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इन्हेंस करते हैं, लेकिन अपने आप किसके जैसा काम नहीं करते हैं, कैटलिस्ट के जैसा काम नहीं करते हैं। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स अनदर टॉपिक, विच वन, कैटालिटिक पॉइजनिंग। यस बेटा, यस बेटा, अगला टॉपिक आया दिस वन, कैटालिटिक पॉइजनिंग और कैटालिटिक इनहिबिशन, ध्यान देंगे। कैटालिटिक पॉइजनिंग क्या होती है, कैटालिटिक इनहिबिशन क्या है, हम लिखेंगे यहां पे कि सम सबस्टांसेस कंप्लीटली और पार्शियली डिस्ट्रॉयज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, ध्यान से सुनेंगे बेटा, दीज आर कॉल्ड कैटालिटिक पॉइजन्स एंड द फिनोमिना is called catalytic poisoning or catalytic inhibition। क्या बोला गया बेटा कि कुछ सबस्टांस ऐसे होते हैं कि जो जो कैटलिस्ट होते हैं उन कैटलिस्ट की एक्टिविटी को या तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं या पार्शियली क्या कर जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। क्या बोला गया, व्हाट आर कैटालिटिक पॉइजनिंग या व्हाट डू यू मीन बाय द फिनोमिना कैटालिटिक पॉइजनिंग और कैटालिटिक इनहिबिशन। कुछ ऐसे सबस्टांस हैं कि जो कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर जाते हैं, पार्शियली करते हैं या कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। और ऐसी जो कैटलिस्ट हैं, ऐसे जो कैटालिटिक जो पॉइजनिंग जिसे मैं बोल रहा हूं उसे नाम दिया कैटालिटिक पॉइजनिंग या कैटालिटिक पॉइजन के नाम से वो जाने जाएंगे। क्या बोलेंगे उनको, कैटालिटिक पॉइजन उन्हें बोलेंगे या द फिनोमिना इज कॉल्ड कैटालिटिक पॉइजनिंग, इधर बिगिन से दैट कैटालिटिक इनहिबिशन। बहुत क्लियर है बेटा, इसके बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास बनते हैं। सो लेट अस मूव, जैसे मान लो पहला एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, यहां हम क्या करते हैं, हैबर्स प्रोसेस को लेते हैं बेटा। बार बार इसी प्रोसेस को आपको बताया जा रहा है कि हैबर्स प्रोसेस में हमने क्या किया, एन टू हो गया और थ्री एच टू हो गया, इसमें बेटा हम क्या करते हैं, आयरन एज अ कैटलिस्ट यहाँ पे यूज में आता है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे मैं कार्बन मोनोऑक्साइड को ले लूँ या यहाँ पे एस टू एस को ले लूँ साथ में, तो ये दोनों के दोनों अपने आप में कैटालिटिक पॉइजन के जैसा काम करते हैं। किसके जैसा काम करते हैं, कैटालिटिक पॉइजन के जैसा काम करते हैं। इन्होंने क्या करना है, इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करना है। क्या करना है, इसकी एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करना है। यहां से क्या बन गया, दिस वन अमोनिया, गॉट द कांसेप्ट।
या सेकंड वाले जो प्रोसेस है हम ऐसा करते हैं, वी हैव कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है बेटा? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। क्या था इसमें? SO2 को लिया था हमने, साथ में लिया था ऑक्सीजन को, यहाँ से बनाया था 2SO3। इसमें बेटा हमारे पास प्लेटिनम हो गया, प्लेटिनम के साथ में एस्बेस्टस को लेते हैं। क्या लेते हैं? प्लेटिनम और साथ में ले लिया एस्बेस्टस। लेकिन इस रिएक्शन में अगर आप देखेंगे हमारे पास आता है AS2O3, और ये जो AS2O3 है वो किसके जैसा काम करता है? दिस वन कैटालिटिक पॉइजन के जैसा काम करता है। या तीसरे नंबर के रिएक्शन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो यहाँ हमारे पास आया लाइक वी हैव H2+O2। ये दोनों मिल करके यहाँ से H2O का फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ पे प्लेटिनम की प्रेजेंस करते हैं, कंपाउंड बनाया 2H2O हो गया। लेकिन इस रिएक्शन के लिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो किसके, ये कैटलिस्ट हो गया, और कार्बन मोनोऑक्साइड किसके जैसा काम करेगा? कैटालिटिक पॉइजन के जैसा काम करेगा। या जैसे मान लो चौथे नंबर की रिएक्शन अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं, दिस वन CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे क्या किया, एल्कीन के अंदर हाइड्रोजनेशन हो रहा है, क्या कंपाउंड बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पे निकल किसके जैसा काम कर रहा है? एज ए कैटलिस्ट के जैसा काम करता है। लेकिन जैसे मान लो यहाँ मरकरी हो गया या कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये किसके जैसा काम करते हैं? कैटालिटिक पॉइजन के जैसा काम करते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ देखो बेटा, यह फिफ्थ नंबर की रिएक्शन अगर मैं आपको लिखवाऊँ, इसे बोला जाता है दिस वन ऑर्गेनिक रिएक्शन है बेटा ये, इसे बोलते हैं दिस वन रोजनमंड रिडक्शन। क्या बोला बेटा? दिस वन रोजनमंड रिडक्शन। और ये जो रोजनमंड रिडक्शन है इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लो मैंने एक कंपाउंड लिया C6H5 हो गया, C OH हो गया, Cl, इसे कंपाउंड का नाम है दिस वन बेंजोइल क्लोराइड। इसकी नोमेनक्लेचर जब आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगा तब आपको बताया जाएगा। इसका हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, 2H हो गया, साथ में यहाँ पे हम PD और साथ में ले लिया हमने BSO4। पैलेडियम और बेरियम सल्फेट कैटलिस्ट के जैसा काम करते हैं। लेकिन इस रिएक्शन के अंदर क्विनोलिन, ध्यान से सुनेंगे, क्विनोलिन हो गया या सल्फर हो गया, एज अ कैटालिटिक पॉइजन के जैसा काम करते हैं। और यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा, अब वो कंपाउंड बनेगा C OH, और यहाँ H हो गया, साथ में HCl बाहर निकल गया। ध्यान से सुनेंगे आप मुझे, अगर बेटा इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन का नाम है रोजनमंड रिडक्शन, अगर इस रिएक्शन में मैं क्विनोलिन हो गया और सल्फर को नहीं लेता हूं, यहां जो प्रोसेस आ रही है उसे नाम दिया हमने द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। अगर मैं क्विनोलिन या सल्फर को अगर नहीं लेता हूं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहां से बेंजोल्डिहाइड जो बना उस बेंजोल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होने के बाद क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा। ठीक है बेटा, अगर मान लो हम इसकी अब्सेंस में अगर यह रिएक्शन दिखाएं तो यहां से जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड क्या बना था, पहले बनेगा दिस वन CHO, फर्दर उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होने के बाद किस में चेंज हो जाएगा, दिस वन CH2OH में चेंज हो जाएगा। अगर हम क्या नहीं करते हैं बेटा, ध्यान से सुनो, अगर हम क्विनोलिन और सल्फर को नहीं लेते हैं तो क्विनोलिन और सल्फर हो गया वो किसके जैसा काम करते हैं, दीज आर द टाइप ऑफ कैटालिटिक पॉइजन। और कैटालिटिक पॉइजन कौन होते हैं, जिन्होंने कैटालिस्ट की एक्टिविटी को रिड्यूस कर दिया, डिक्रीज कर दिया या डिस्ट्रॉय कर दिया। गॉट द कंसेप्ट? तो ये था बेटा हमारे पास कैटालिटिक पॉइजनिंग क्या है, या कैटालिटिक पॉइजन्स क्या होते हैं, या कैटालिटिक इनहिबिशन क्या होते हैं। ठीक है बेटा, अब इसको हमने कैटेगराइज किया, देयर आर फॉलोइंग टू टाइप्स। जो पॉइजनिंग है इसके दो टाइप है, एक टेम्पररी हो सकती है और एक परमानेंट हो सकती है। टेम्पररी पॉइजनिंग क्या है? टेम्पररी पॉइजनिंग हम उस कंडीशन में बोलते हैं कि जहां पे कैटलिस्ट हो गया, ध्यान से सुनो हाँ क्या बोल रहा हूं मैं, कि जैसे मान लो जैसे हमारे पास कैटलिस्ट हो गया, ठीक है, इसको मैं यहां लिख देता हूं, वी हैव टू टाइप्स। कितने टाइप्स बने? दो टाइप बने। पहले नंबर का टाइप बना टेम्पररी, दूसरा बना परमानेंट पॉइजनिंग। देखो बेटा, यहां मैं अगर इसके टाइप्स लिख दूं पॉइजनिंग के, तो जो पॉइजनिंग है उसके दो टाइप्स बनने हैं। एक मैं लिखता हूं दिस वन टेम्पररी, पहले वाला पार्ट बोला टेम्पररी टाइप है,
भाई टेम्पररी किस कंडीशन में है, जहां पे कैटलिस्ट हो गया, ध्यान से सुनो हाँ, जहां कैटलिस्ट प्लस जो हमारे पास कैटालिटिक पॉइजन है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जहां पे वीक फोर्स बनता है, ठीक है बेटा, जहां वीक फोर्स बनता है, और ऐसे सब्सटेंस जो हैं जब हम इस कैटालिटिक पॉइजन को रिमूव कर जाते हैं तो ये कैटालिस्ट अपने जो एक्टिविटी है उसको रिगेन कर जाता है। क्या बोला गया बेटा, ध्यान से सुनो, कि जहां पे कैटालिस्ट हो गया और जो कैटालिटिक पॉइजन है इन दोनों के बीच में वीक फोर्स एक्ट करता है। अगर हम यहां पे इस कैटालिटिक पॉइजन को उस कैटालिस्ट की सरफेस से अगर स्क्रैच कर जाएं, उसको रिमूव कर दें, तो जो कैटालिस्ट होता है वो कैटालिस्ट अपनी एक्टिविटी को फिर दोबारा से रीगेन कर जाता है। गॉट द कंसेप्ट? दैट्स व्हाई ये अपने आप में जो कैटालिटिक पॉइजनिंग बनेगी वो कैसे बनेगी, टेम्पररी के नाम से जाने जाएगी। जैसे रिएक्शन दी हमारे पास N2 हो गया, 3H2 हो गया, हैबर्स प्रोसेस हो गया, और यहां से हमने क्या किया, अमोनिया। यहां कैटलिस्ट हमने लिया था आयरन, ठीक है बेटा, यहां आयरन एज अ कैटलिस्ट था। अगर आप इसमें ऑक्सीजन हो गया, अगर आप इसमें वाटर का एडिशन करते हैं एज अ कैटालिटिक पॉइजन, तो ये अगर दोनों के दोनों, अगर मान लो यहां पे O2 या वाटर हो गया एज अ कैटालिटिक पॉइजन, अगर यहां पे एक्ट कर रहे हैं, तो अगर हम इनको स्क्रैच कर दें, इनको रिमूव कर दें, तो ये आयरन अपनी जो एक्टिविटी है फिर दोबारा से रीगेन कर जाता है। अगर ये अपनी एक्टिविटी को दोबारा रीगेन कर जाता है, दैट्स वाई कि जो हमारे पास कैटालिटिक पॉइजनिंग बनी इसे कैटालिटिक पॉइजन के द्वारा, उसे क्या बोलेंगे, दिस वन टेम्पररी। बहुत क्लियर है बेटा। नाउ द सेकेंड वन, अगर मैं दूसरा लिख दूं, उसे बोला गया परमानेंट। कैसा बना, परमानेंट कैटालिटिक पॉइजनिंग। परमानेंट कैटालिटिक पॉइजनिंग क्या होगी, कि कैटालिस्ट हो गया और कैटालिटिक जो पॉइजन है इनके बीच में जो फोर्स बनेगा वो कैसा फोर्स बनेगा, दिस वन स्ट्रॉन्ग फोर्स। कैसा फोर्स बन गया बेटा, अगर वीक फोर्स बन रहा है तो आपने क्या किया, उसे स्क्रैच कर दिया, कैटालिटिक पॉइजन को आपने रिमूव कर दिया, तो कैटलिस्ट अपनी जो एक्टिविटी है उसको दोबारा रिगेन कर जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ स्ट्रॉन्ग फोर्स बन रहा है, इसलिए यहाँ पे जो कैटालिटिक पॉइजन हो गया और जो कैटलिस्ट हो गया, अगर आप यहां से कैटालिटिक पॉइजन को अगर रिमूव भी कर जाते हैं, बाहर निकाल भी देते हैं, तब भी जो कैटलिस्ट होता है वो अपनी एक्टिविटी को रीगेन नहीं कर पाता है। गॉट द कंसेप्ट, यस एंड नो? और ऐसा जो सब्सटेंस है या ऐसी जो प्रोसेस बनती है, इसमें कैटालिटिक पॉइजन को रिमूव करने के लिए केमिकल ट्रीटमेंट देना पड़ता है। गॉट द कंसेप्ट, यस एंड नो? समझ में आया कि यहां इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स बन रहा है, यहां पे अगर आप कैटालिटिक पॉइजन को रिमूव कर भी लेते हैं तब भी जो कैटलिस्ट होता है वो अपनी एक्टिविटी को क्या नहीं कर पाता है, रीगेन नहीं कर पाता है। बहुत क्लियर है? जैसे मान लो यही रिएक्शन हम बताते हैं कि N2 हो गया और 3H2 हो गया, और यहाँ पे आयरन एज अ कैटलिस्ट था बेटा। अगर इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर मैं बात करूँ, जो यहाँ पे कैटालिटिक पॉइजन है इसने मिलकर के क्या बनाया था, यहाँ पे यहाँ 2N3 बना दिया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो यहाँ पे कैटालिटिक पॉइजन है ये अपने आप में दिस इज द टाइप ऑफ परमानेंट कैटालिटिक पॉइजनिंग को क्या करेगा, शो करेगा। या दूसरी रिएक्शन एक मैंने आपको और बताई थी, द सेकेंड वन, 2SO2 हो गया प्लस O2 हो गया, यहाँ बेटा हमने क्या किया था, दिस वन यहाँ लिया था प्लेटिनम हो गया, साथ में लिया था एस्बेस्टस हो गया बेटा, और साथ में हमने यहाँ क्या ले लिया था, दिस वन AS2O3। दैट्स वाई ये जो AS2O3 हमने यहाँ पे लिया, ये दोनों, ये तो क्या था हमारे पास, दिस वन कैटालिटिक पॉइजन हो गया, और ये किसके जैसा काम कर रहा था, कैटलिस्ट के जैसा काम कर रहा था। दैट्स वाई जो हमारे पास AS2O3 है, जो किसके जैसा काम कर रहा था, कैटालिटिक पॉइजन के जैसा काम कर रहा था। ये रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, ये कैटालिटिक पॉइजन के जैसा काम कर रहा, लेकिन कैसा काम कर रहा बेटा, यहां ध्यान देंगे, दिस वन परमानेंट कैटालिटिक पॉइजनिंग को क्या करेगा, शो करेगा। व्हाट द कंसेप्ट, समझ रहे हैं आप कंसेप्ट को? तो हमारे पास जो कैटालिटिक पॉइजनिंग बनी उसके कितने टाइप्स बने, दो बने, एक बना टेम्पोररी, दूसरा कैसा बना, परमानेंट। एक्चुअल में होता क्या है, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इसकी मैकेनिज्म क्या है,
तो इसकी मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो हमारे पास ये कैटलिस्ट है, लाइक दिस वन, ये हमारे पास कैटलिस्ट है, दिस वन कैटलिस्ट, ठीक है बेटा। और यहाँ पे जो हमारे पास कैटालिटिक पॉइजन है, ये पॉइजन मैंने यहाँ लिख दिया, तो ये क्या करेगा, ये परमानेंटली किसके साथ में, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना करके किसके साथ में जला जाएगा, कैटलिस्ट के साथ में बॉन्ड बना देगा, और ये पॉइजन जो है कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब कर जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे हो रहा है एडजॉर्प्शन, क्या हो रहा है बेटा, एडजॉर्प्शन, किसका एडजॉर्प्शन हो रहा है, कैटालिटिक पॉइजन का एडजॉर्प्शन हो रहा है, किसकी सरफेस के ऊपर हो रहा है, कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर, और ये किसको जगह नहीं दे रहा है, किसको जुड़ने के लिए जगह नहीं दे रहा, ये जो रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट को यहाँ जुड़ने के लिए जगह नहीं दे रहा है। और द कंसेप्ट यस एंड नो, अगर रिएक्टेंट जुड़ ही नहीं पाएगा तो जो हमारे पास कैटलिस्ट है, इसी कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी थी जिसके कारण हमारे पास जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को आगे बढ़ना था, उस रिएक्शन की या उसमें कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या कर देगा ये, या तो कम्प्लीटली या तो पार्शियली ये जो पॉइजन है वो क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, और इसलिए जो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनना था वो प्रोडक्ट हमारे पास नहीं बन पाएगा। समझ पा रहे हैं कंसेप्ट को, यस एंड नो, या उस रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या प्रोडक्ट आपके पास नहीं बन पाएगा, ठीक है बेटा। तो ये था बेटा आज हमारे पास जितने भी आपको कंसेप्ट करवाए हैं, कैटालिसिस का टॉपिक था, इसके ऊपर मैंने आपको कंसेप्ट करवाए, होप सो गुड बेटा आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगला वीडियो इससे आगे वाला जो होगा वो आपको कल आपको प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू।